यानी कोल्ड डेजर्ट्स का जो है वो मौजूद है। तो होपफुली आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इस वीडियो का बेसिक बनाने का जो पर्पज़ है वो है स्कर्दू में और स्पेशली पाकिस्तान और स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान में विंटर टूरिज्म को जो है वो सपोर्ट करना है। तो आप लोग आएँ और इन कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हों और बर्फ़ की एक अलग अपनी खूबसूरती होती है। तो हमारा इलाका जो है वो खुला ढीला ठीक है और लोग बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ पर मेहमान नवाज लोग हैं। तो मरी की तरह जो है वो आपको तंगी या वो महसूस नहीं होगी और मरी में सिर्फ एक चेल जिसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप डेजर्ट से लेकर रिवर से लेकर माउंटेन से लेकर लेक से लेकर ग्रीनरी से लेकर हर चीज़ अवेलेबल है। और विंटर में आप अगर आते हैं तो यहाँ पर स्नो फॉलिंग जो है वो पाकिस्तान का है तो ठंडा इलाका, लेकिन स्नो फॉलिंग के बाद जो है वो हाथ यानी मौसम की जो वो है वो इतनी फीलिंग नहीं होती शिकायत, यानी सर्दी की इतनी शिकायत फीलिंग होती है। और मौसम इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप आएँ और हमारे साथ जो है वो स्कर्दू विजिट करें और स्कर्दू को एंजॉय करें, स्कर्दू के मौसम को। जी यहाँ पर बेर का दरख्त है और कितना प्यारा है। कोशिश करते हैं अगर हमें यहाँ पर कोई भेड़ नज़र आ गई तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हेलो एवरीवन, तमाम मेम्बरांस को खुश आमदीद। आज के वी लोग जो है वो स्नो फॉलिंग पर, इंडस रिवर पर, कोल्ड डिजर्ट पर है। होपफुली आप तमाम गाइस हमारे साथ एंजॉय करेंगे इस वीडियो को। वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। यहाँ पर आज भी लोग पैदल ही सफर करते हैं। इंशाल्लाह अगले भी लौट आपको वहाँ दिखाते हैं। पाकिस्तान का सबसे लंबा और सबसे बड़ा दरिया जो कि वादी शुआब वगैरह से निकल के सिंध में सिंध पहुँचा। इंशाल्लाह आप सिंध दरिया से। ये मेरा भतीजा तुफ़ैल और ये हैं जी। अब ये कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट के साथ जो है वो दरिया सिंध का नज़ारा आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू है। हम कोल्ड डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं और आज हमने स्पेशली बर्फबारी की वजह से जो है सोचा कि हमें जो है इस कोल्ड डेजर्ट का विज़िट करना चाहिए और साथ में आगे वादिया कुमरा, वादिया क्वार्दो वगैरह सब नज़र आ रहे हैं। तो अभी आपको हम पहले कोल्ड डेजर्ट लेके जाएंगे, फिर दरिया सिंध का भी नज़ारा कराएंगे। और मेरे भतीजे तो फिर बर्फबारी होने के बाद जो है स्कर्दू में खुश ठंड ख़त्म हो गई है और अभी बहुत ही मज़े का मौसम है जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बैक साइड पे जो है वो स्कर्दू का मशहूर पहाड़ लड़ंगो टोक है और उसके साथ जो है उसके बैक साइड पे जो है वो ऑर्गेनिक विलेज है। और इस वक्त हम आए हुए हैं जी अपना कोल्ड डेजर्ट में और यहाँ से आपको पूरे कोल्ड डेजर्ट और पूरे स्कर्दू का इंशाल्लाह अगर कैमरे की नज़र कैद कर सके तो आपको पूरा स्कर्दू का व्यू यहाँ से हम दिखाएंगे और पूरा जो स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट है सरफरंगा के अलावा वो तमाम आपको नज़र आएगा। होपफुली आप इंजॉय कर रहे हैं इस व्लॉग को। बस कहीं भी नहीं है, तस्वीर खींच लें तो ये जी स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट और पूरे स्कर्दू का व्यू अब हमारे नीचे ये नीचे कल्पना और उसके साथ ये स्कर्दू का व्यू है जी। 360 डिग्री में आपको जो व्यू दिखाया हमने यहाँ से आगे छोटी सी वो है, उसके बाद जो है पूरा डेजर्ट शुरू होता है स्कर्दू का कोल्ड डेजर्ट और बड़ा ही प्यारा व्यू है इंडस रिवर का। आपको हम इंशाल्लाह लेके चलते हैं इंडस रिवर तक और वहाँ पर दरियाई कटाव से बचने के लिए जो है वो काम किया जा रहा है, बंद बांधा जा रहा है ताकि लोगों की कीमती ज़मीनें जो है वो बचे। ये जी स्कर्दू का व्यू पूरा 360 डिग्री में। यहाँ पर अभी ये इंडस्ट्री में अभी सर्दियों में तो ये पानी कम हुआ और पानी बिल्कुल साफ है और साथ में जो है वहाँ पर डोजर काम कर रही है ताकि लोगों की ज़मीनें ख़राब ना हो। और मेरे आगे और बैक साइड पर पूरा जो है वो यानी कोल्ड डेजर्ट्स का जो है वो मौजूद है। तो होपफुली आप इस वीडियो को एंजॉय करेंगे। इस वीडियो का बेसिक बनाने का जो पर्पज़ है वो है स्कर्दू में और स्पेशली पाकिस्तान और स्कर्दू में और गिलगित बल्तिस्तान में विंटर टूरिज्म को जो है वो सपोर्ट करना है। तो आप लोग आएँ और इन कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हों और बर्फ़ की एक अलग अपनी खूबसूरती होती है। तो हमारा इलाका जो है वो खुला ढीला ठीक है और लोग बड़े अच्छे लोग हैं, यहाँ पर मेहमान नवाज लोग हैं।
तो मरी की तरह जो है वो आपको तंगी या वो महसूस नहीं होगी। और मरी में सिर्फ एक चेयर लिफ्ट के अलावा आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको डेजर्ट से लेकर रिवर से लेकर माउंटेन से लेकर लेक से लेकर ग्रीनरी से लेकर हर चीज़ अवेलेबल है। और विंटर में आप अगर आते हैं तो यहाँ पर स्नो फॉलिंग जो है वो पाकिस्तान का है तो ठंडा इलाका, लेकिन स्नो फॉलिंग के बाद जो है वो हर मौसम की जो वो है वो इतनी फील नहीं होती, यानी सर्दी की सर्दी नहीं होती और मौसम इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल है। तो आप आए और हमारे साथ जो है वो इसका विजिट करें, उसका भी इन्जॉय करें मौसम को। ये जी अभी हम रेत के इस टीले पर मौजूद हैं और यहाँ से अभी हमें उतरना है और फिर हम उस टीले पर जाएंगे और उस टीले के बाद फिर हम जाएंगे वो मशीन में और फिर वहाँ पर जो बंद बांधा गया वहाँ जाकर दरिया सिंह का एक पूरा व्यू लेकर फिर आपको जो है आज का व्यू आपको मुकम्मल करेंगे। ये जी इसका दुकान ये आप गाइस हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं आज इस ठंडे मौसम को, इतना ठंडा तो नहीं है इस बर्फीले मौसम को। और यहाँ पर मैं आया हूँ अपने भतीजे के साथ, वीडियो जो है हमारी बन रही है और इंशाल्लाह भी यहाँ से अगर कैमरे की नज़र कैद कर सके तो आपको हम शिखर वैली का नज़ारा भी कराएंगे और साथ में पाकिस्तान के जो सबसे बड़ा दरिया और सबसे लंबा दरिया दरिया सिंध उसका भी एक नज़ारा कराएंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहे, पहुँच चुके हैं अभी ये मेरे पीछे जो है बैक साइड पर जो है वो दरिया सिंध है और अलावा अभी तक यहाँ पर जो है इस मौसम में मेरे मेरे भतीजे के अलावा कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपको फुटप्रिंट्स नहीं मिलेंगे। अभी हम कोल्ड डीजल से नीचे उतर रहे और अब हम दरिया की तरफ जाएंगे और ये जो बंद बांधा हुआ है उस जगह पे शायद हम ना जा सके क्योंकि वहाँ पर जो है वो जाल लगा हुआ है और उससे क्रॉस करने से प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर इधर होना अच्छा नहीं लगेगा बगैर, तो हम अंदर नहीं जा सकेंगे शायद, लेकिन अब हम रोड पर उतर चुके हैं। यहाँ पर जाल लगा हुआ वो सामने मशीन है वगैरह आगे काम कर रही मशीन है, वहाँ पर बंद बांधा जा रहा है ताकि स्कर्दू सिटी की जो ज़मीनें हैं वो कम से कम मुतासर ना हो दरिया की वजह से, ज़मीनी कटाव को रोकने के लिए। और मेरे साथ इस वक्त है मेरे भतीजे और ये कोल्ड डेजर्ट के ऊपर सारा बहुत ही इन्जॉय कर रहे हैं। क्यों तो फिर मज़ा आ रहा है, कुदरती मनाजे से लुत्फ अंदोज़ हो रहे हो, इन्जॉय करें इन्जॉय, उनका काम हो रहा है। अभी तो फिलहाल बर्फबारी की वजह से बंद हुआ है लेकिन फिर भी ये मशीन यहाँ पर काम कर रही है। और ये जी दरिया सिंह भैया यहाँ पर ज़मीनी कटाव के साथ अब उसके बंद के जरिए रोका गया और पहले दरिया यहाँ तक होता था तो अब आगे बंद बांधने की वजह से दरिया थोड़ा सा उधर चला गया। और भैया जी दरिया सिंह का व्यू देखा पूरे अपने आप बताप से देखा और वो सामने करके शिखर है, शिखर दरिया जहाँ पर केकू पहाड़ है और ये इधर देख सकते इस पहाड़ की देख सकते नाचुक है और वो सामने जो है सतरंगा है। कहाँ पर छोटी की पहाड़ी है ये महत्व और जाकर सफाई है। तो होपफुली गाइस आपका आपने आज का व्लॉग जो है वो एंजॉय भी किया है और इस व्लॉग को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ स्कर्दू में पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान में विंटर टूरिज्म को जो है वो सपोर्ट करना है ताकि आप लोग आए और हमारे साथ जो है स्कर्दू की इस खूबसूरती को अनदेखी खूबसूरती जहाँ पर सिर्फ बाहर से फॉरनर्स आकर उस खूबसूरती को कैप्चर करते हैं लेकिन लोकल पाकिस्तानियों का रुझान जो है वो स्कर्दू में आना कम है, तो इसको बढ़ाया और आप आए यहाँ पर बर्फ़ पर इन्जॉय करें, कोल्ड डेजर्ट पर इन्जॉय करें, इंडस रिवर पर इन्जॉय करें और उसके साथ जो है वो आप जो है वो लेक्स को इन्जॉय करें इस बर्फ के सलम, तो आपको पता चलेगा क्या अल्लाह की तकलीफ जो है वो कितनी प्यारी है और अल्लाह की जैसे इतनी प्यारी तकलीफ थी वो खालिक मालिक है वो कितनी।
ये छोटा सा भी स्टेचू हमने बर्फ में बनाया है और आप देखें कैसा बनाया आपने। अब आप किनारे तो हमने सामने उस पर जाना है डिजर्ट पे और उधर से फिर हम निकलेंगे डेट की। गाइस आज का व्लॉग आपने पसंद किया होगा और आपको जो कुदरती मनाजिर कैमरे की आग में बंद हो सकते हैं कैद हो सकते हैं वो करके आपको दिखाने की हमने एक छोटी सी कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि आप इसको सराहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पाकिस्तान में विंटर टूरिज्म को सपोर्ट करें। काफ़ी थक गया यार आज कोल्ड डेजर्ट और इंडस्ट्रियल का और फिर साथ में इस बर्फ को कुदरती हुस्न में एंजॉय करके वापस घर की तरफ हम रवाना हैं।